हेलो बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने कार्बनिक यौगिकों के प्रकाशीय क्रियाशीलता के बारे में डिस्कशन किया था। विशेषकर उनकी प्रकाशीय क्रियाशीलता को कार्बोहाइड्रेट से संदर्भित करके मैंने उसका वर्णन किया था। आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप ये देखिए कि ग्लूकोज कोष के बारे में हमारे पास अभी तक की क्या आइडियाज है। तो सभी लोग जानते हैं कि इसका जो रासायनिक सूत्र जो है वो है C6H12O6। अगर आप इसको देखें तो ये CHO, उसके बाद CH2OH, OH, और ये OH, यानी इसमें छह कार्बन हैं। देखिए, एक दो तीन चार पांच और ये छह। अब छह कार्बनों को देखा जाए तो यह हेक्सोज है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, तो इसे एल्डोज भी कहेंगे। यानी यह एक एल्डो हेक्सोज है, एल्डो हेक्सोज सोस, एल्डो हेक्सोज है, यानी छह कार्बन वाला। हेक्सोज का मतलब छह कार्बन, एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड। अच्छा, एक और बात, इस छह कार्बनों में ये जो चार कार्बन है ये असममित कार्बन है, चार असममित कार्बन है, इसमें चार असममित कार्बन है। अब अगर चार असममित कार्बन है तो ये प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करेगा, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है। अब ये देखिए, कोई भी चीज याद नहीं करना, केवल इस फॉर्मूले को देख के मैं डिजाइन करूंगा इसका सारा डाटा। अब एक बात बताइए कि अगर प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है तो ये डी कंपाउंड है कि एल कंपाउंड? तो कल ही मैंने बोला था यह डी, यानी या हम कह सकते हैं प्लस, या दक्षिण ध्रुवण करता है, दक्षिण ध्रुवण। और जानते हैं कितने डिग्री पर पड़ता है बेटा? इसका जो थीटा होता है, विशिष्ट जो ध्रुवण होता है वो होता है 52 प्लस का 52.5 डिग्री, ये 52.5 डिग्री प्लस रोटेशन करता है, लाइट को 52 डिग्री राइट में रोटेट करता है। अच्छा, या ये देखिए, ये वाला ग्रुप देख रहे हैं, यह अंतिम काइरल के दक्षिण दिशा में, यानी राइट साइड में, तो ये डी समूह कार्बोहाइड्रेट है, या डी समूह कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, एक और बात बताइए, इसमें C1 क्या है भाई? एल्डिहाइड है। अच्छा, C2, C3, C4 और C5 क्या है?
ये सारे द्वितीयक अल्कोहल हैं। यानी सेकेंडरी अल्कोहल कितने हो गए भाई, चार, और C6 क्या है, प्राथमिक अल्कोहल। तो इतनी डाटा केवल इस फॉर्मूले को देख के आपको याद हो सकता है कि इसका सूत्र है C6H12O6। यह एक हेक्सोज माने 6 कार्बन, एल्डोज माने एल्डिहाइड ग्रुप, 4 असममित कार्बन है जिसकी वजह से प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है। यह दक्षिण ध्रुवण करता है, दक्षिण यानी प्लस, तो यह कितना डिग्री, 52.5 डिग्री रोटेट करता है। यह डी समूह का कार्बोहाइड्रेट है, डी क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में है। इसमें C1 पे एल्डिहाइड, C2, C3, C4, C5 इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे 2, 3 और 1 से जुड़ा हुआ है, 3, 2 और 4 से जुड़ा हुआ सेकेंडरी और 1 प्राथमिक अल्कोहल। अगर मैं इसके आगे कहूं तो ये आपका ये या जल में घुलनशील होता है, क्योंकि एच आबंध बनाता है, या एच आबंध बनाता है। अच्छा, इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अच्छा, ये प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, यह धरती पर भी है, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, एक और बात, पके हुए अंगूर में, माने अगर पके हुए अंगूर में ये लगभग 20% मीठे फलों में, मीठे फल या शहद में प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए बेटा, इनमें मुक्त ग्लूकोज पाया जाता है, ये मुक्त ग्लूकोज। जैसे अगर मैं अनाज खाता हूं तो पचेगा तब तो ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन अगर मैं शहद पी लूंगा तो डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाएगा। अगर अंगूर खाएंगे तो डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा। यानी प्रकृति में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त एवं युग्मित दोनों रूपों में पाया जाता है, दोनों रूपों में पाया जाता है, दोनों ही रूप में ये प्रकृति में उपस्थित है, मुक्त रूप में भी है और युग्मित रूप में भी है। अगर इसके भौतिक गुण के बारे में देखें तो यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यह क्या है, ठोस, क्रिस्टलीय ठोस है भौतिक गुण। ठोस
क्रिस्टलीन या ऐसे लिख दीजिए श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। मैंने बोल ही दिया कि जल में घुलनशील है, इसका गलनांक जो है 419 केल्विन के लगभग होता है, जल में घुलता ही है। अच्छा इसका निर्माण अगर देखें विरचर निर्माण, निर्माण हम लोग दो प्रकार से करेंगे, एक प्रयोगशाला में सामान्य सामान्यता जो है इसका निर्माण स्टार्च से होता है, सॉरी इसका व्यावसायिक निर्माण स्टार्च यानी मंड को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटन करके जल वियोजन करके 393 केल्विन तक एवं 2-3 ATM दाब पर प्राप्त किया जाता है। एकदम आसान है, जिससे स्टार्च का फॉर्मूला याद है C6H10O5 का N2O ले लीजिए बेटा, यह आपका स्टार्च है और इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको एसिड के साथ 393 केल्विन टेम्परेचर और 2-3 ATM प्रेशर, तो ये NC6H2LO6 बन जाएगा, ये ग्लूकोस बन जाएगा सीधे। अगर प्रयोगशाला में इसको बनाना चाहते हैं तो सुक्रोज से बनाते हैं इसका। दूसरी विधि जो NCERT लिस्टेड है यानी सुक्रोज से इसका निर्माण, सुक्रोज बने यदि सुक्रोज को तनु HCl या तनु यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ एल्कोहलिक माध्यम में जल अपघटन करते हैं, तो समान मात्रा में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। एकदम सस्ती बात है, एकदम समान मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होगा। देखिए C12H22O11 ये अगर सुक्रोज है तो इसको H2O से, क्योंकि ये डाइसल्फाइड है, इसको अगर एसिडिक माध्यम लेंगे तो ये C6H2LO6 प्लस C6H2LO6 यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। सभी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुक्रोज लिया तो ये मिला, अगर मान लीजिए कि इसकी जगह पे माल्टोज लेते तो क्या बनता, ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज, ये अगर लैक्टोज लेते तो क्या बनता,
ये ग्लूकोज बनता और ये क्या बनता, गैलेक्टोज। तीन प्रकार का डाइसेक्राइड बताए थे, उन तीनों में, तीनों प्रकार के डाइसेक्राइडों में इस चीजों को ध्यान रहना है कि माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। तो ये स्थिति बनती है, ये इसके दो निर्माण की विधियां हैं। ये इसके बाद अगर हम देखें तो ग्लूकोज के रासायनिक गुणों की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक गुण सात है, रासायनिक गुण अगर हम देखते हैं तो रासायनिक गुण, अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक गुण, तो ग्लूकोज के अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें तो CHO CHOH का ये चार बार हो गया और CH2OH, एक एल्डिहाइड, चार सेकेंडरी अल्कोहल और एक प्राइमरी अल्कोहल, इसको मैं रिएक्ट, अगर मैं इसको पहला रिएक्शन अगर मैं HI के साथ इसको उष्मा दे दूं तो ये अपचयित हो जाए, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो गए सारा ऑक्सीजन हट जाएगा और ये CH3 CH2 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 CH3 यानी N हेक्सेन का निर्माण होगा। नंबर दो, अगर मैं इसी चीज को Br2 और जल यानी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करूं तो ये देखिए ये ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बात मैं आपको ध्यान दूं कि जितने भी ये रिएक्शन जो हो रहे हैं, जैसे वो अपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये इन सबका जो मैकेनिज्म है वो आप फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर उसके रिएक्शन डायरेक्ट हमको देखना है, तो ये जैसे COOH CHOH और ये CH2OH, इसको हम ग्लूकोनिक अम्ल कहेंगे। और अगर मान लिया जाए कि बेटा जी अगर मैं इस प्रबल ऑक्सीकारक थोड़ा सा HNO3 ले लिया यानी नाइट्रिक अम्ल, अब अगर नाइट्रिक अम्ल ले लेंगे तो दोनों ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये भी और ये भी, प्राइमरी पोजीशन जो टर्मिनल पोजीशन है दोनों ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा COOH CHOH और ये भी हो जाएगा COOH, इसे साइक्लिक अम्ल बोलेंगे। अच्छा अगर मैं अमलगम सोडियम अमलगम से रिएक्शन करूं तो Na और HG से, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका अपचयन होगा, और जब ये अपचयन होगा तो ये बन जाएगा CH2OH CHOH और ये CH2OH, ये सॉर्बिट हो रहा है, ये हो जाएगा सॉर्बिट, यह एक कफ सिरप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मैं इसको पांचवा रिएक्शन देखें, अगर मैं इसको HCN से अभिक्रिया करूं, ये नाभिक रागीय अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, देखिए एक्चुअली इसकी स्थिति देखिए जरा, C डबल बॉन्ड हो इधर H होता है और नीचे सब जुड़ा हुआ है, तो जब ये HCN से अभिक्रिया करता है तो ये देखिए ये माइनस ये प्लस और ये सी एन माइनस और एच प्लस, तो ये वाला यहां चला जाता है और ये वाला पोर्शन इस पे डायरेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, सी एच तो रहा सी एच रहेगा, इससे आके जुड़ेगा कौन सी एन, इससे आके सी एन जुड़ गया और ये ओ पे ये एच आया तो एक और बॉन्ड जुड़ गया और फिर सी एच का सी एच ओ एच चार और नीचे CH2 ये देखिए,
ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये अभिक्रिया पांच हुए, दो और अभिक्रिया इसकी हम चर्चा करेंगे। एक हम इसको हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर हम अभिक्रिया इसकी कराते हैं तो ये आपको एमीन की अभिक्रिया जरा देखिए, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2 अब ये देखिए यहां भी वही स्थिति होती है, यहां भी एक नाभिक रेखीय अभिक्रिया होती है। क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O और ये H तो है ही और नीचे पूरा है, ये NH2OH ऐसे होता है, तो ये यहां से टूटता है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये यहां जाएगा और ये डायरेक्ट यहां जुड़ता है, तो स्थिति क्या बन जाएगी, HC ये NH OH जुड़ गया और नीचे OH, और जब इसको गर्म करिएगा ना तो ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या स्थिति बनेगी, CH डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अंदर चला गया, ये अंदर जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो गया एन OH, और यह ही है हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा यहां पर CH डबल बॉन्ड एन OH और नीचे पूरी का CHOH T4 और CH2OH, ये है ग्लूकोज एंड ऑक्साइन, ऑक्साइन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया कराऊं, क्या कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया, तो ये हो गया CH3CO2O और ये ZnCl2, तो जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप है ना सब एसिटेट बन जाएंगे, कैसे ये तो ऐसे ही रह जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और ये चार तो यहां जुड़ जाएगा फिर CH O, C डबल बॉन्ड CH3 ये है आपका ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, तो इस प्रकार से इसके सारे रसायने ये गुणधर्म है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता है, वो इसी के तीन रूप में अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पूछता है, जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, और ये साथ क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर निम्न कि ग्लूकोज के साथ रासायनिक अभिक्रिया दे, तो कैसे होगा बेटा, दे देगा कि HI कैसे करेगा, दूसरा दे देगा कि HNO3 का रिएक्शन लिखिए, तीसरा दे देगा ब्रोमीन जल, चौथा दे देगा आपका HCl, पांचवा दे देगा NaHg। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेगा कोई भी, सीधे मान लीजिए ग्लूकोज है किसी का भी
CHO, CHOH, CH2OH, ग्लूकोज है ना, इसी को तुम चलो कोई भी ले लो, जैसे मान लीजिए कि मैं BR2H2O ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, COOH, CHOH, और ये CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक तो लिख लेंगे, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है, यह समीकरण लिख लेंगे, हो गया। दूसरा बाकी आप लोग खुद करें, दूसरे बाकी ये जो चारों बच गया ये आप लोग खुद करिए, है ना। और आगे अगर हम दूसरा इसका ऐसे क्वेश्चन होगा, क्या होता है जब ग्लूकोज को HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराई जाती है, क्या होता है जब ग्लूकोज को HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करते हैं क्या होता है, लिख सकते हैं आसानी से कि CHO, CHOH4, CH2OH जब HCN से अभिक्रिया करेगा तो वही चीज ये यहां पे अटैक करेगा, CHCNOH, CHOH4, CH2, यानी ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। चलिए देंगे, जब ग्लूकोज को HCN से अभिक्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन का निर्माण होता है, इसी प्रकार से रिएक्शंस आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप बार बार रिवाइज करें, लिख के प्रैक्टिस करें, लैंग्वेज में लिखें जिससे कि टॉपिक आपका कवर हो। इसको आप, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, उसका भौतिक गुण पढ़ा, उसका निर्माण पढ़ा, उसका रासायनिक गुण पढ़ा, इसको बार बार रिवाइज करेंगे बेटा जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।